सब्सक्राइब। मैं सोनिया हूँ, सोनिया अहमद। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वाले साहब 22वीं ग्रेड के ऑफिसर थे। हम चार भाई और दो बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ और बाजी सबसे बड़ी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की एजुकेशन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन फिर भी मैंने लड़ झगड़ कर अपना बीकॉम कंप्लीट किया। कॉलेज के ज़माने में ही मैं शकील को दिल दे बैठी और हम दोनों ने शादी कर ली। जाहिर सी बात है, मैंने शकील से शादी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बागी किस्म की थी। इसलिए पापा और भाइयों का शादी में शिरकत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब एक लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती है और उसी से शादी भी हो जाती है तो वो बहुत खुशकिस्मत होती है, मगर मैं तो सदा से ही अनलकी रही हूँ। शादी के दूसरे दिन ही बारह बज गए, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? चल अब आप जो गधे घोड़े बेच के सो रहे थे तो जगा देते। नहीं, मेरे नजदीक किसी को गहरी नींद से जगाना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। सो स्वीट ऑफ यू, तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा अच्छे निकले। शुक्रिया। आई रियली लव यू। अरे तुम ये खबरें छोड़ो और मेरी तरफ देखो। यार मैं वैकेंसी सर्च कर रहा हूँ। पर शकी, आज शादी का पहला दिन है। सोनिया डार्लिंग, मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करें। तो कोई वैकेंसी मिली क्या? हाँ, ये देखो ना, ये वैकेंसी तुम्हारे लिए ही आई है। व्हाट? मैं जॉब करूंगी? हाँ तुम जॉब करोगी। यार इसमें हर्जी क्या है? पर मेरे पास जॉब का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इनको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए और लड़की होना शर्त है। वैसे भी आजकल लड़कों को कहाँ जॉब मिलती है। लेकिन मैं नौकरी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। देखो मैं नाश्ता बनाता हूँ और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बी प्रैक्टिकल सोनिया, इंसान को प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। ओके? पर अभी तो मेरी शादी हुई है। कम ऑन सोनिया, दफन करो इस पुरानी सोच को। आज की औरत बनो आज की। जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी तुम घर में बैठ के बच्चे पालना, ठीक है? मगर चलो उठो, अगर मगर छोड़ो, तुम तैयार हो, मैं नाश्ता बनाता हूँ। लड़कियां क्या क्या सपने नहीं देखती। मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे, मगर शादी के दूसरे दिन ही मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चली गई। इंटरव्यू में कामयाब हो गई और मुझे जॉब पे रख लिया। मैंने वहाँ पे यही जाहिर किया कि मैं गैर शादीशुदा हूँ।
ऐसा करने के लिए मुझे शकील ने कहा था, क्योंकि जॉब अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी, लोग अच्छे थे, सब कुछ तो अच्छा था। मगर शकील वो तो नौकरी करना ही नहीं चाहता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। मैं तो डबल डबल ड्यूटी कर रही थी, सुबह ऑफिस जाती, वापस आके खाना पकाती। शायद और जैसी औरतों का यही मुकद्दर होता है। शकी, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं एंड आई थिंक अब तुम्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए। अरे यार, तुम जॉब कर रही हो, अच्छी आमदनी है, फिर प्रॉब्लम क्या है? हम एक नई रिवायत डाल रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, ऐसा हो गया है। नहीं नहीं, मैं अभी बाप बनने के मूड में नहीं हूँ। पर शकी, ये तो अल्लाह की देन है। बस बस, लेक्चर देने की अब जरूरत नहीं है। फौरन। ये क्या कह रहे हो तुम? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मैं अभी इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहता। अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी जॉब का क्या होगा? शकील को बेबी से ज्यादा मेरी नौकरी की फिक्र थी। वो दुनिया का पहला बाप था जो अपनी ही बेबी से खौफजदा था। मैंने अपने बॉस को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और माँ बनने वाली हूँ। बॉस बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी लगवा दी। मेरी सैलरी में इजाफा कर दिया, मेरी टाइमिंग में 2 घंटे कम कर दिए। कंपनी की तरफ से हर फैसिलिटी दी गई मुझे, मेडिकल वगैरह वगैरह। बॉस मुझे बेटी की तरह समझते थे। एक तरफ इतने अच्छे आदमी और दूसरी तरफ शक्की। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा बॉस के साथ क्या चक्कर है? शकी, तुम सचमुच शकी हो चुके हो। अच्छा, तो क्यों दिए उस बुड्ढे ने तुम्हें इतनी फैसिलिटीज? कि कैसी बातें कर रहे हो? आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये बेबी किसका है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं बकवास कर रहा हूं? छोड़। फिर मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मैं उस चक्की को छोड़कर चली गई। ऐसे मर्द के साथ रहने का क्या फायदा जो एतबार करना ही नहीं जानता। फिर मैंने अलीजा को जन्म दिया। अलीजा मेरी जान, मेरी बच्ची। अब मेरे लिए जिंदा रहने के लिए एक माकूल वजह थी, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो, वो माँ बने। मैंने अलीजा के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी और यूं ही 10 साल बीत गए। एक्सक्यूज मैडम। जी मैडम, मैं आज ऑफिस से कुछ जल्दी जाना चाह रहा था। यकीनन कोई जरूरी काम होगा। नहीं मैडम,
जरूरी काम तो कोई भी नहीं था, दोस्तों के साथ कुछ मूवी का प्रोग्राम बना लिया था। वेरी गुड। एक्चुअली प्रोग्राम तो मैंने 6 to 9 का रखा था, मैंने सोचा था कि यहाँ ऑफिस से फ्री होके चला जाऊँगा, लेकिन टिकट ही 3 से 6 के मिले। इट्स ओके, अगर आप मना करेंगी तो मैं मना कर देता हूँ दोस्तों को। काम कंप्लीट है सारे? जी काम मैंने अपने सारे फिनिश कर दिए। देन ओके। थैंक्स मैम, थैंक्स। सच्ची बात तो ये थी कि यावर दूसरे मर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो चाहता तो मुझसे झूठ बोलकर छुट्टी ले सकता था, मगर नहीं, उसने फिल्म देखने का कहकर ही छुट्टी ली। मुझे अच्छा लगा, यावर अच्छा आदमी था। उस दिन अजीब अफरा तफरी थी। आई बस, मेरी और आपकी कहानी भी कितनी मिलती जुलती है। आपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। मैंने अपने शौहर को छोड़ा, उसकी एक वजह थी। वजह तो यहां भी थी शायद। क्या छोड़े मैडम, अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फायदा। अब तो जो होना था वो हो गया और शायद मैं ही उसके काबिल नहीं था। मतलब वर्किंग वुमेन्स ऐसी ही होती हैं शायद। वर्किंग वुमेन तो मैं भी हूं। नहीं मैडम, मेरा मतलब था कि जिस तरह सारे मर्द बुरे नहीं होते, उस तरह सारी औरतें भी बुरी नहीं होती। मैंने तो अलीजा के फादर को इसलिए छोड़ा कि वो मुझे और अपनी औलाद को ऑन नहीं कर रहे थे। ये ऑनरशिप भी बड़ी अजीब चीज है। इंसान जिसके पीछे भाग रहा होता है, वो चीज उससे दूर भाग रही होती है, और जो चीज उसकी अपनी होती है, उसके पास होती है, वो उसे ऑन नहीं करता। काफी फलसफाना बातें करते हैं आप। खुदा हाफिज़। यावर एक पढ़ा लिखा समझदार था, मुझसे एक आध साल छोटा या बड़ा होगा, मगर मैं उसकी गुफ्तगू से काफी इम्प्रेस हुई थी। उस रात यावर ने मुझ पर एहसान किया। कितनी लड़कियां ऑफिसों से घर जाते हुए गायब हो गईं। उस दिन जब मेरी बर्थडे थी, कितने सालों के बाद किसी ने मुझे बर्थडे विश किया था, मैं बहुत खुश थी और दुखी भी। खुश इस बात से थी कि मुझे किसी ने इतने सालों के बाद विश किया, और दुख इस बात का था कि विश करने वाला एक अजनबी था। उस दिन यावर ने मुझे लंच के लिए कहा, मैंने हाँ कर दी क्योंकि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सुनिए, मैं कई दिनों से आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? यही कि अभी कितनी लंबी उम्र बाकी है आपकी और कितनी तनहा है आप। मैं तनहा नहीं हूँ, अलीजा है मेरे साथ। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब अलीजा बड़ी हो जाएगी और आप उसकी शादी कर देंगी, तो आप एक बार फिर तनहा हो जाएंगी? वो तो है। सुनिए, अगर हम दोनों चाहें तो एक दूसरे की तनाई शेयर कर सकते हैं। कैसे? अगर हम दोनों निकाह कर लें तो। नहीं,
शादी का एक ही तजुर्बा काफी है मेरे लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। लेकिन मैं शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। क्यों? अलीजा क्या सोचेगी? मैं अलीजा के लिए ही आपसे शादी करना चाहता हूं। जी जी, उस बच्ची को भी एक बाप मिल जाएगा और आपकी तनाई भी दूर हो जाएगी। हर मैं भी सॉरी यावर, मैं इस टॉपिक पे अलीजा से कोई बात नहीं कर सकती। और प्लीज आप भी ये ख्याल अपने जहन से निकाल दे तो अच्छा होगा। सुनिए, अलीजा को मैं समझा दूंगा। मैंने कहा ना यावर, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, ओके। यावर मुसलसल मेरे पीछे पड़ा रहा और मैं शादी के लिए इनकार करती रही, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपनी बकाया जिंदगी सुकून के साथ अलीजा के साथ गुजारना चाहती थी। मगर यावर हर तरह से मुझे कायल करने की कोशिश करता रहा और मैं इनकार ही करती रही। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो मैं हैरान रह गई, यावर अलीजा को पढ़ा रहा था। अलीजा के पेपर्स होने वाले थे, यावर अलीजा को ट्यूशन दे रहा था। मैं सोचने लगी, काश यावर ही अलीजा का बाप होता। मामा। हाँ मामा की जान, नींद नहीं आ रही क्या? मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। मामा, यावर अंकल कितने अच्छे हैं ना? हाँ, बिल्कुल बाबा की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। शायद। आपको कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। मामा, आप यावर अंकल से शादी क्यों नहीं कर लेती? ये यावर अंकल ने तुम्हें समझाया है ना? नहीं, मैं तो खुद ही सोच रही थी अगर आप यावर अंकल से शादी कर लेंगी तो मुझे सचमुच के बाबा मिल जाएंगे। अच्छा, मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी मम्मा की शादी कराने लायक हो गई। हाँ चल, अब सो जा चुपचाप। प्लीज आप उनसे शादी कर लें। चल अब सो जा, ठीक है? मैंने यावर से निकाह कर लिया, मुझे एक प्यार करने वाला शौहर मिल गया और अलीजा को बाप। सब कुछ तो ठीक था। लोग कहते हैं कि तारीख कभी भी अपने आप को नहीं दोहराती, मगर मेरे मामले में तारीख खुद को दोहरा रही थी। यावर और शकील बिल्कुल एक तरह के मर्द थे, बल्कि यावर कुछ मामले में शकील से दो हाथ आगे था। दोनों ही औरत की कमाई खाना चाहते थे। दिन भर बैठे बैठे तुम थक नहीं जाते? शर्म आती है मुझे जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा शौहर करता क्या है। हाँ तो तुम उनको साफ साफ कह दिया करो कि मेरा शौहर निखट्टू है, मेरा शौहर हड़हराम है, मेरा शौहर हर वक्त घर में ही पड़ा रहता है, मेरा शौहर मेरी बीवी की कमाई खाता है, ये कह दिया करो। जाओ। मुझे अगर पता होता कि तुम इतने बड़े मुनाफिक हो, सिर्फ लंबी लंबी बातें करते हो, तो मैं तुमसे बिल्कुल शादी ना करती। अब तो कर लिया, पर हाँ
मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ओ, तो मुझे अब पता चला कि तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें क्यों छोड़ के गई थी। बकवास बंद करो। चीखो मत, तुम सिर्फ नाम के मर्द हो, बस नाम के। अब तो सुबह शाम हमारी लड़ाई होने लगी थी। यावर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और था। उस दिन मैं उसे बुरा भला कहकर चली गई। जब मैं वापस आई तो वो सब कुछ हो चुका था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अलीजा बेहोश थी। को मैं हॉस्पिटल लेकर भागी। मैंने डॉक्टर से पूछा है, होश में आने में कुछ वक्त लगेगा, आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं बीबी। जी। आपके घर में कोई खानसामा, मुलाजिम या कोई चौकीदार ऐसे बंदे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। किसी पे शक? शक नहीं, ये उसी वहशी दरिंदे का काम है। किसका? नाम बताएं। यावर। यावर? जी, मेरा हस्बैंड। तोबा तोबा, सगे बाप ने? जी जी। मेरी उससे दूसरी शादी हुई थी। फिर तो उस लांती को सरेआम फांसी पे लटका देना चाहिए। बीबी, हमें आपका ताउन चाहिए, बताइए किधर होगा वो। एक बार अगर वो मुझे मिल जाए ना तो अपने नहीं हाथों से उसकी जान ले लूंगी मैं। उस बेगरत को तो हम ढूंढ ही लेंगे। चौबीस घंटों के बाद अलीजा को होश आ गया। मेरी फूल जैसी बच्ची मुरझा सी गई थी। मैं माँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकी। मैं बस उस दरिंदे को सजा दिलवाना चाहती थी। मैं एक बार फिर टूट के बिखर गई थी और कोई समेटने वाला नहीं था। मैं बस
उस दरिंदे को सजा दिलवाना चाहती थी, इबरतनाक सजा। उस वैशी दरिंदे बेगैरत इंसान के रूप में शैतान कहीं रूपोश हो गया था। अब मैं अलीजा की नजरों में खुद को मुजरिम समझने लगी थी। पुलिस उस वैशी दरिंदे के ताकों में थी। जानवर वाले काम करके मजार पर बैठा हुआ है। सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। गलती का बच्चा क्यों किया ऐसा? सर, उस समय अंधा हो गया था मैं, अंधा हो गया था। अब तो हम तुझे मार मार कर अंधा कर देंगे। चल। सर, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सर, यही पर सर, यही पर। आखिर पुलिस ने उस वैशी दरिंदे को पकड़ लिया। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, उसने भी इकरार जुर्म कर लिया। मैं चाहती हूँ कि इस वैशी दरिंदे को ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी ना कर सके।